विकास वन पहुंचकर दिव्यांग बैठे धरने पर, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, नहीं तो करेंगे रोड चक्का जाम। मैनपी विकास वन में दिव्यांगों ने आसरा आवास कॉलोनी योजना के तहत आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर और कंबल दिलाए जाने तथा राशन कार्ड भी गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले कार्ड बना दिया जाए जिससे दिव्यांगजन अपनी गुजर बसर कर सकें। इन्हीं मांगों को लेकर दिव्यांगजनों ने विकास भवन में धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी मांग पूरी ना होने के बाद चक्का जाम करने की बात भी कही है। रोड पर जाम करेंगे। मैं पीछे देवेंद्र कुमार, समस्या है, मैंने 5 तारीख को जिलाधिकारी को CDO साहब से ये कहा था किसी विकलांगों को कंबर न दिया जाए, विकलांग जितने आ जाए इनके इन हाथों से कंबर दी जाए। कंबर की अनसुनी हुई, कंबर जब आता ठंडे निकल जाए, जाड़े निकल जाएंगे, उसके बाद आप कंबर दोगे। CDO साहब से भी कहा था और जिलाधिकारी से कहा था। उसके बाद अभी तक राशन कार्ड विकलांग लोग बेचारे मारे मारे फिर रहे, राशन कार्ड इनके लिए तत्काल बनाया जाए, आदेश किया जाए, गरीब रेखा का राशन कार्ड बना जाए। उसके बाद आवास काशीराम कॉलोनी में आवास मिलना चाहिए। भाई गरीब आदमी विकलांग मकान नहीं बना पाएगा, सरकारी जब आवास है तो आवास दे दो। और उसके बाद 5 से 1000 रुपए तक इनकी पेंशन की जाए। अब एक बात, विकलांग बोल नहीं पाते जाके, मतलब तुम लोग कर्मचारी मेरी सुनोगे ही नहीं आवाज। अगर मेरी आज आवाज न सुनी जाए तो 25 तारीख को हम पुल पे नदिया के पुल पे बैठेंगे, ताल ठोक के रोड जाम कर देंगे। इन्हें तत्काल कंबर मिलना चाहिए। दो पैरों को तुम कॉलोनी दे रहे, एक विकलांग लोग की नहीं सुन रहे आवाज के लिए। बेचारे परिवार वाले इन्हें भजा देते, भाई भतीजे ठुकाते, बेइज्जती करते और बेचारे अपने जैसी तैसी गुजर कर रहे हैं। हर जगह कमर बटी और हर जगह कमर विकलांग कमर नहीं।